नमस्कार दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासेस दोस्तों आज मैं आपके लिए एसआई इंजन कम्बस्टन चैम्बर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ऐसा इंजन में कितने प्रकार के कम्बस्टन चैम्बर हैं जो कि यूज होते हैं कम्बस्टन चैम्बर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे हमारी इंजन की इफिशेंसी हो गई परफॉर्मेंस हो गए वो हमारे कम्बस्टन चैम्बर पर भी निर्भर करते हैं तो दोस्तों टाइप्स ऑफ कम्बस्टन चैम्बर में फोर टाइप्स के कंबस्टन चैम्बर यूज होते हैं एसआई इंजन में टी हेड टाइप एल हेड टाइप एफ हेड टाइप एंड आई हेड टाइप्स तो दोस्तों सबसे पहले टी हेड टाइप टी हेड टाइप कंबस्टन चैम्बर क्या है तो जो टी हेड टाइप कंबस्टन चैम्बर है इसको 1908 में फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था या फोर्ड जो कंपनी है जो कार्स बनाती है फोर्ड की बनाती है। फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले डेवलप किया था 1908 में टी है टाइप कंबस्टन तो चैम्बर इस प्रकार के कंबस्टन चैम्बर में जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि जो हमारा डायग्राम का जो शेप है वो टी सेप के जैसा है टी सेप के आकार का है इसलिए हम इसको टी हेड टाइप बोलते हैं अब इसमें इस प्रकार के कंबस्टन चैम्बर में इनलेट एंड एग्जस्ट बल्ब आर प्लेस्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ दिलेंडर ब्लैक मीन सिलेंडर जो ब्लैक है उसके दोनों तरफ हमारे एक साइड इनलेट बाल्ब प्लेस होता है और एक साइड हमारा क्या होता है एग्जस्ट बल्ब प्लेस्ड होता है एंड दे रिक्वायर इंडिविजुअल केम्स ऑफ टू ऑपरेट देम एंड दोनों बल्ब को ऑपरेट करने के लिए इनलेट एज वेल एज एग्जस्ट दोनों को ऑपरेट करने के लिए इस तरह के कंबस्टन चेंबर में हमें किसकी दो साफ्ट की आवश्यकता होती है क्योंकि कैम साफ्ट से ही हम पावर को ट्रांसमिट करके बल्ब को ऑपरेट कराते हैं ठीक है तो कैम साफ्ट किसमें फोर स्ट्रोक इंजन में आपने सुना है फोर स्ट्रोक इंजन में कैम साफ्ट यूज होती है सेकेंड दिस मेक इट डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एंड द चांस ऑफ नॉकिंग इज हाई यदि दो कैम हम यूज कर रहे हैं तो एक तो नॉकिंग भी होगी और एक कॉम्प्लिकेटेड इसकी डिजाइन हो जाएगी बनाना और हाई नॉकिंग के चांसेस हैं जो कि बढ़ जाएंगे ठीक तो जब हमारे टी सेट के आकार का हमारा कंबस्टन चैंबर होता है जिसके दोनों साइड में एक साइड इनलेट बल्ब एक साइड एग्जस्ट बल्ब लगा होता है और दोनों बाल्ब को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग हमको कैम की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम टी हेड टाइप कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं ठीक है अब दोस्तों जो भी छात्र पी के क्लासेस में पहली बार आए हुए हैं जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके सेकंड है दोस्तों एल हेड टाइप तो जो एलहेड टाइप कंबस्टन चेंबर है इसमें आप डायग्राम में देखिएगा ध्यान से इनलेट बल्ब एग्जॉस्ट बाल्ब दोनों एक ही साइड में माउंट है मींस लेफ्ट साइड में ठीक है बीच में क्या है स्पार्क प्लग है सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर पिस्टन को दिखाया है तो इन दिस टाइप ऑफ कंबस्टन चैम्बर द इनलेट एंड एग्जॉस्ट बल्ब आर प्लेस्ड ऑन द सेम सिलेंडर मीन्स भेंदा इनलेट एंड एग्जॉस्ट बाल्ब बल्ब्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम सिलेंडर एंड दज दे कैन बी ऑपरेटेड बाय सिंगल कैमसॉफ्ट तो मीन्स एक ही कैमसॉफ्ट से ऑपरेट होंगे एक ही कैमसॉफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी एक खासियत होगी इसमें एल हेड टाइप के किसमें कंबस्टन चैम्बर में तो द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम इस सिस्टम की जो फायदा है एडवांटेज है वो क्या है द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट सिंपल बाल मैकेनिज्म मीन इसके जो बाल और जिनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं लुब्रिकेट कर सकते हैं आसानी से लुब्रिकेटेड किया जा सकता है ये फायदा होता है कैसे में हेड टाइप के कंबस्टन चैम्बर में दिस इज डेवलप टू ओवरकम द डिसडवाटेज एल हेड टाइप जो कंबस्टन चेंबर है इसको बनाया गया टीड टाइप के कंबस्टन चैम्बर के डिसएडवांटेज को हटाने के लिए जैसे कि टी हेड टाइप के कंबस्टन चेंबर में आपको दो कैमसॉफ्ट की आवश्यकता पड़ रही थी लेकिन यहां पे एक की आवश्यकता पड़ रही है तो एक तो ये डिसएडवांटेज हो गई क्योंकि इसमें नाकिंग भी रेड्यूस होगी और नाकिंग के चांसेस कम होंगे और इसकी डिजाइन है जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी क्योंकि ओनली वन कैमसॉफ्ट इज ऑपरेटेड टू इनलेट एज वेल एज बोथ वाल्व ठीक इसको हम बोलते हैं कौन सा एल हेड टाइप कंबस्टन चैम्बर थर्ड है दोस्तों एफ हेड टाइप एंड आई हेड टाइप थर्ड फोर्थ तो थर्ड में एफ हेड टाइप कंबस्टन चैम्बर बोथ द बल्ब इसमें क्या होता है बोथ द बल्बस आर माउंटेड ऑन द सिलेंडर हेड जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है एफ एड टाइप कंबस्टन चैम्बर है जिसमें दोनों ही बल्ब हमारे कहां पे माउंट हैं सिलेंडर हेड के ऊपर माउंट होते हैं ओवरहेड कंबस्टन चैम्बर अतः इसको हम ओवरहेड कंबस्टन चैम्बर के नाम से भी जानते हैं तो जब हमारे दोनों बल्ब सिलेंडर हेड पर माउंट हो तो उसको हम एफ हेड टाइप कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं और इसको ओवरहेड कंबस्टन चेंबर चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है ठीक आई हेड टाइप आई हेड टाइप में क्या है जैसे कि डायग्राम है तो डायग्राम में आपको बिल्कुल आई जैसा दिख रहा है आई सेप सभी पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है सभी के कम्बस्टन चैम्बर है सभी में पिस्टन राट को दिखाया गया है तो इन दिस टाइप कंबस्टन चैम्बर इनलेट बाल माउंटेड एट द सिलेंडर हेड एंड एग्जस्ट बल्ब ऑन द सिलेंडर ब्लॉक मीन्स जब इनलेट बाल्ब सिलेंडर हेड पर लगा होता है और एग्जस्ट बल्ब सिलेंडर ब्लैक पर लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं आई हेड टाइप कंबस्टन चैम्बर तो दीज फोर इंपॉर्टेंट कंबस्टन SI इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन या हम बोल सकते हैं पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन में ये चार टाइप के कंबस्टन चैम्बर हैं जो कि मोस्टली यूज किए जाते हैं आप कितनी भी गाड़ियां देख लो तो सबके अपने फायदे हैं सबके नुकसान है ओके दोस्तों तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीआई इंजन कंबस्टन चेंबर ओके थैंक यू